Good evening. I'm audible. चलो रिप्लाई करो जल्दी जल्दी. I'm audible. तो 12 अगस्त का पीसीबी ग्रुप का पेपर बच्चों आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो रेडी है सब लोग? चलो तो सवाल देखते हैं बच्चों. पहला सवाल क्या पूछा गया था? द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड इन डाउस प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, है ना. फिनॉल चैप्टर में बच्चों आपने ये रिएक्शन देखा है जिसका नाम है डाउस प्रोसेस. तो डाउस प्रोसेस में बच्चों आपके पास क्या होता है? तो आपके पास होता है क्लोरोबेंजीन, है ना. डाउस प्रोसेस में बच्चों आपके पास क्या होता है? बेंजीन रिंग पे Cl, मतलब क्या है? क्लोरोबेंजीन, है ना. क्लोरोबेंजीन है बच्चों. और इसका कन्वर्जन जो है वो आप करते हो बच्चों किसके साथ? मतलब इसका कन्वर्जन करते हो आप फिनॉल में, है ना. क्लोरोबेंजीन से बच्चों आप फिनॉल बनाते हो. तो इस केस में बच्चों इसने पूछा है कि आप टेम्परेचर और प्रेशर कितना यूज करेंगे, है ना. इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, हमें पता होना चाहिए, है ना. तो इस केस में बच्चों 623 केल्विन टेम्परेचर और 150 एटीएम प्रेशर बच्चों हम यूज करते हैं, ठीक है. 623 केल्विन टेम्परेचर और 150 एटीएम प्रेशर बच्चों हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए. ओके, डाउज प्रोसेस में कितना टेम्परेचर प्रेशर यूज करते हैं. वैसे बच्चों क्यूमिन के केस में अगर सवाल आता है ना, तो क्यूमिन का अगर पूछते हैं तो क्यूमिन के केस में बच्चों आपको कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, है ना. एरो का कंडीशन पूछते हैं बच्चों, है ना, क्यूमिन के केस में. तो इस केस में कुछ तो भी कोबाल्ट नेफ्थानेट था, कोबाल्ट नेफ्थानेट, है ना. ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, कोबाल्ट नेफ्थानेट. तो ये वाला बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है. क्यूमिन के केस में यहां पे सवाल पूछा जा सकता है. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर अगला सवाल क्या है? वॉट इज द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इफ इट इज कॉन्फिग्रेशन इज 3d10 4s2. इसका पोजिशन बताना है बच्चों में. क्या दिया है? 3d10 दिया है और 4s2 है. तो बच्चों ये कुछ आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट लग रहा है और इसके आगे एर्गॉन होता है. अगर आपको पता है तो इसके आगे एर्गॉन होता है. अब एर्गॉन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 18. डी में आपको 10 दिए हैं और यस में बच्चों 2 दिए हैं. तो कितना हुआ बच्चों? टोटल 30. और टोटल 30 है, इसका मतलब बच्चों ये जिंक है. और जिंक का पोजीशन क्या है? तो जिंक होता है बच्चों पीरियड नंबर 4 में, है ना. पीरियड नंबर 4 में होता है और ग्रुप नंबर 12 में होता है बच्चों, है ना. ग्रुप नंबर 12, पीरियड नंबर 4. सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलो क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. अगला सवाल क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड Mn शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. कौन से कंपाउंड में बच्चों मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो आपको निकाल के देखना होगा हर एक केस में. अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो चीज समझो. तो MnO2 दिया है बच्चों, तो ऑक्सीजन तो हमेशा -2 होता है, ठीक है. मैग्नीज के साथ, पोटेशियम के साथ देखो यहाँ पर, तो क्या होगा बच्चों? ये Mn है, ठीक है. यहाँ पे दो बार ऑक्सीजन है, तो दो बार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है -2 इक्वल टू आएगा 0, है ना. ऊपर कुछ चार्ज नहीं है, तो ये होगा Mn प्लस माइनस, माइनस होगा 2 2 4 इक्वल टू 0. तो यम होगा बच्चों, Mn होगा आपका +4 पहली केस में. दूसरे केस में देखो Mn2O3 है, है ना. अब Mn2O3 के केस में क्या होगा? दो बार Mn है बच्चों, है ना, प्लस तीन बार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 होगा इक्वल टू 0. तो ये होगा दो बार Mn, ये होगा बच्चों -6 इक्वल टू 0. तो ये आपका 2 Mn कितना होगा? -6 अगर उधर शिफ्ट करते हैं तो +6 होगा. फिर बच्चों Mn क्या होगा? +6 के डिवाइड में जाएगा बच्चों 2, तो आंसर आएगा आपका +3. तो इस केस में +3 आंसर है, है ना. इस केस में कितना आंसर है? +3 आंसर है. अब आगे बढ़ते हैं. अब K2MnO4 है बच्चों, तो K2MnO4 के केस में क्या होगा? तो दो बार K है ना, लिख लेता हूँ लगे तो, ठीक है. दो बार K है, K होता है +1, है ना. Mn है, चार बार ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन होता है -2 इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 0 लेंगे.
तो ये होगा प्लस टू, प्लस होगा बच्चों एम एन, है ना, माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो इस केस में क्या होगा, एम एन प्लस टू माइनस एट होगा बच्चों माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो एम एन आएगा बच्चों प्लस सिक्स, तो इस केस में एम एन प्लस सिक्स है। और बच्चों ये वाला अगर देखते हैं चौथा वाला, तो यहाँ पे के होता है प्लस वन, प्लस एम एन पता नहीं है, चार बार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो ये होगा प्लस वन प्लस एम एन माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो, तो एम एन होगा बच्चों प्लस वन माइनस एट, ये होगा माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो, तो एम एन आएगा बच्चों प्लस सेवन। तो आपको क्या पूछा है, हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, तो ये हाइएस्ट चाहिए, तो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डी में होगा बच्चों। हर एक केस में आप फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। क्लियर हुआ, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर ऑफ ग्लिप्टल, ग्लिप्टल किससे बनता है बच्चों, ये हमें पूछा गया है, ग्लिप्टल किससे बनता है, चलो जल्दी जल्दी बताओ, ग्लिप्टल किससे बनता है। ये आपके देखो पॉलीमर नाम का जो चैप्टर है ना बच्चों, पॉलीमर नाम का एक चैप्टर है, उसमें बच्चों आपको लास्ट पेज पे, है ना, लास्ट पेज पे एक टेबल दिया है, उस टेबल के अंदर बच्चों ये ग्लिप्टल दिया है, है ना। ग्लिप्टल किससे बनता है, तो ग्लिप्टल बनता है बच्चों इसके मोनोमर, देखो आपको टेरलिन के पता है, टेरलिन के पता है, अगर टेरलिन के पता है तो इसके याद रखना आसान है। टेरलिन किससे बनता है बच्चों, टेरलिन किससे बनता है, तो टेरलिन बच्चों एक तो होता है आपके पास इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना, एक क्या होता है आपके पास इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, और दूसरा क्या होता है बच्चों, टेरिप्थैलिक एसिड, टेरिप्थैलिक, है ना, टेरिप्थैलिक एसिड, ये दो होते हैं। अब बच्चों ग्लिप्टल का याद रखना आसान है, है ना, ग्लिप्टल का याद रखना आसान है, इससे ही आप ये वाला याद रख सकते हो। तो ग्लिप्टल क्या है, तो ये इथिलीन ग्लाइकॉल तो सेम है बच्चों, इथिलीन ग्लाइकॉल ये तो सेम होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल, और ये जो टेरिप्थैलिक एसिड है इसकी जगह सिर्फ होता है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ओके। तो इथिलीन ग्लाइकॉल टेरिप्थैलिक एसिड, ये टेरलिन है, तो ग्लिप्टल क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल थैलिक एसिड। चलो क्लियर हुआ यहां तक, जल्दी जल्दी बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताना है, बड़े आगे। बढ़ना है आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला क्या पूछा था, अगला पूछा था बॉन्ड ऑर्डर दो किसका है, ये बताना था बॉन्ड ऑर्डर दो किसका है। अब बॉन्ड ऑर्डर पे सवाल था, ये तो अभी कैसे होगा, देखो अगर मैं आपको थोड़ा रफ आइडिया दे देता हूँ, अगर बच्चों एच टू दिया है तो एच एच होता है, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर बच्चों कितना है, वन। अगर ओ टू दिया है तो यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर बच्चों टू होता है। अगर एन टू दिया है तो यहाँ पर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, तो इस केस में बच्चों बॉन्ड ऑर्डर क्या था, थ्री, है ना, बॉन्ड ऑर्डर थ्री होगा। तो आपको यही से अंदर, अभी ऑप्शन नहीं है मेरे पास तो ये तो हम बता नहीं सकते, है ना, तो आपको इसमें से ही कुछ दिया होगा। अगर दो बॉन्ड ऑर्डर बताना है तो शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका O2 आंसर में होना चाहिए, है ना, ऑप्शन में O2 होना चाहिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर टू होता है ना। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड ऑर्डर वन, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर टू, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या, बॉन्ड ऑर्डर बच्चों थ्री होगा। तो आपका आंसर शायद O2 होगा ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है बच्चों जिसमें नो हीट ट्रांसफर है ना, इसमें बच्चों हीट ट्रांसफर O2 था, ओके भूषण, नो हीट ट्रांसफर है ना, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता। अगर हीट ट्रांसफर नहीं होता मतलब Q का वैल्यू जीरो है ना, तो आपका सी आंसर बच्चों इस केस में सही होगा, अगर हीट ट्रांसफर, ये तो शायद कल के शिफ्ट में भी, कल हमने जो डिस्कस किया था ना 11 अगस्त का, शायद उसमें भी ये वाला सवाल था, है ना। नेक्स्ट, अब ये पूछा है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कौन सा होता है,
एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा था? Li2O, देखो आपको एक मैंने शायद लिख के दिया था, अभी आपको पता है नहीं पता क्या पता, एक जनरली क्या होता है बच्चों, जनरली है ना, जनरली क्या होता है, जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड है ना, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं है ना, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड वो बच्चों एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये दो चीज़ें बच्चों आपको इस केस में याद रखनी है, ओके। जनरली ऐसा होता है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बच्चों एसिडिक होते हैं, ये जनरली आपको याद रखना है। अब आपको पूछा गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल, जैसे एक ZnO आपने देखा होगा, Al2O3 बच्चों आपने इस केस में देखा होगा है ना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो जनरली मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड बच्चों एसिडिक होते हैं। अब एम्फोटेरिक में कुछ ZnO, Al2O3 इस टाइप का आंसर आपने देखा होगा, ओके। तो अब इसका एक सेशन में मैंने इसका पूरा लिस्ट भी बना के दिया था है ना, एक बार मुझे चेक करने दो अवेलेबल है क्या, पूरा लिस्ट मैंने लिख के दिया था आपको कि कौन सा मेटल का ऑक्साइड है, कौन सा नॉन मेटल का ऑक्साइड है, लिस्ट दिया था मैंने एक, अभी है क्या मेरे पास, देखने दो। अभी तो शायद नहीं दिख रहा है, मैंने टेलीग्राम पे डाला है वो शायद है ना, टेलीग्राम पे मैंने डाला है, वहाँ से आप देख लेना, पूरा लिस्ट मैंने डाल के दिया था आपको टेलीग्राम पे, ओके। तो यहाँ पे जो है आपका बी वो आंसर होगा बच्चों, किस केस में, एम्फोटेरिक के केस में, ठीक है, ये वाला बच्चों आपका बी हो, बी ओ। अब ये जो है ना Li2O, MgO है ना, BaO, ये नहीं है बच्चों, ये मेटल के ऑक्साइड है, ये बेसिक होंगे ना, और जो BeO है वो क्या है आपका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ ऑफ CH3Br है ना, CH3Br में बॉन्ड लेंथ, ऐसे कुछ तो भी सवाल आया था। अब ये तो आपको क्या करना था, देखो शायद कल के क्लास में भी मैंने ये बताया था, ये कुछ ऐसा है CH3, एक होता है F, दूसरा CH3, यहाँ पे होगा Cl, उसके बाद होगा CH3, क्या होगा Br, उसके बाद होगा CH3 और यहाँ पे होगा I। अब आपको क्या करना था बच्चों, ये वैल्यूज़ कंपेयर करनी थी है ना, जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ है ना, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा है ना, टॉप टू बॉटम क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, कुछ ऐसे देखेंगे। तो बॉन्ड लेंथ आपको पूछा है CH3Br का, कल के क्लास में मैंने इसके वैल्यूज़ भी आपको लिख के दिए थे, किसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है, 138 से शायद CH3F का स्टार्ट होता है ना, CH3F का 138 से स्टार्ट होता है, एक बार बता देता हूँ मैं आपको, 139 था, ठीक है, ये कितना था 139, उसके बाद वाला था 178 है ना, उसके बाद वाला था बच्चों 193 और लास्ट वाला था 214 है ना, तो आपको ये वाला पूछा था, ओके। तो ये बॉन्ड लेंथ के याद करना है, क्योंकि देखो पिछले के शिफ्ट में भी आया था, इस शिफ्ट में भी आया, तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, और ये वैल्यूज़ होती है पिकोमीटर में, पिकोमीटर में होती है बच्चों ये वैल्यूज़, तो ये वैल्यूज़ आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि पिछले शिफ्ट में भी इस पे सवाल पूछा गया था, ओके। तो ये 139, 178, 193 और 214 पिकोमीटर। सी वाटर इज विच काइंड ऑफ मिक्सर, कौन सा मिक्सर है बच्चों, सी वाटर में क्या होता है, सी वाटर में होता है बच्चों NaCl है ना, मतलब सॉल्ट होता है ना, सीधा आप सॉल्ट लिख सकते हो, तो सॉल्ट इन वाटर है ना, सॉल्ट इन वाटर, गुड इवनिंग पूजा, सॉल्ट इन वाटर है ना, सी वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट इन वाटर है तो सॉल्ट बच्चों सॉलिड होगा है ना, सॉलिड इन, और वाटर क्या है बच्चों, लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का है बच्चों ये, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें ये जो है ये आपका सॉल्वेंट होगा है ना, और ये जो है सॉल्ट, ये क्या होगा आपका, सॉल्यूट होगा। गुड इवनिंग पूजा, चलो बड़े आगे, चलो अगला,
इटार्ड रिएक्शन में कौन सा यूज करते हैं पूछा था, है ना, कौन सा कैटलिस्ट ऐसे कुछ पूछा होगा, है ना। इटार्ड रिएक्शन में क्या यूज करते हैं? इटार्ड रिएक्शन में क्या यूज करते हैं? इटार्ड रिएक्शन क्या था बच्चों, याद है? Cr2O3। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, Cr2O3 होगा शायद। चलो देखो, इटार्ड रिएक्शन कहां पे पढ़ा आपने ये? अरे बताओ, इटार्ड रिएक्शन कहां पे पढ़ा है? इटार्ड रिएक्शन बच्चों आपने अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा है। अल्डिहाइड कीटोन, है ना, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें पढ़ा था। क्या होता है इस केस में बताओ? चलो जल्दी 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 सॉल्व करो। शायद सवाल क्या था, है ना, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है सवाल मुझे, मतलब इटार्ड रिएक्शन में कौन सा क्या यूज कब करते हैं पूछा था, मतलब कैटलिस्ट पूछा था या प्रोडक्ट पूछा था, है ना। देखो शायद इसमें आपको कैटलिस्ट पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर रिएजेंट, है ना, इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है, ऐसे कुछ तो भी पूछा होगा। तो इटार्ड रिएक्शन के केस में क्या था बच्चों? इटार्ड रिएक्शन के केस में आपके पास टोल्यून था क्या? ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे CH3 लगा है, है ना, इसे कहते हैं टोल्यून। और इसका रिएक्शन आप करते हैं CrO2Cl2, है ना, ठीक है, CrO2Cl2, इसे कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। ये क्या है? क्रोमिल क्लोराइड, है ना, क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ CH2, है ना। ये कुछ तो भी आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलता है और उसके बाद आप उसका क्या करते हो, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो और लास्ट में बच्चों आपको क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड, है ना, लास्ट में आपको क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड, कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आपको रिएजेंट पूछा होगा, है ना, ये CrO2Cl2 का यूज करते हैं। इटार्ड रिएक्शन में कौन सा क्या यूज होता है, तो ये क्रोमिल क्लोराइड का पूछा होगा, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड पूछा होगा, या फिर अगर प्रोडक्ट पूछते तो बेंजाल्डिहाइड, अगर प्रोडक्ट पूछते तो क्या आएगा, बेंजाल्डिहाइड। ओके, क्लियर। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बढ़े आगे, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम अमाइड में कौन सा रिएजेंट लगाते हैं पूछा था, क्या है बच्चों ये? हाँ ऋतुजा, 12th August का है, देखो क्या पूछा है अभी आज का, ऋतुजा मेरे ऋतिका अपडेट नहीं है मेरे पास। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम अमाइड, है ना, आपके पास अमाइड है बच्चों, अमाइड मतलब कुछ ऐसा RC(OH)2, और इससे क्या बनाना है, इससे बनाना है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम अमाइड, है ना, तो अमाइड से अमाइन बनाना है, तो क्या ऑप्शन है बच्चों आपके पास? एक तो बच्चों आपने ये वाला रिएक्शन देखा होगा जिसमें C(O) उड़ जाएगा, RNH2 बनेगा, और दूसरा रिएक्शन बच्चों आपने ये पढ़ा होगा R यहां पे NH2 और ये ऑक्सीजन हटके बच्चों यहां पे दो हाइड्रोजन लगते हैं, ये वाला रिएक्शन आपने देखा होगा, ऐसे दो रिएक्शन। तो ये जो होता है ना जिसमें C(O) उड़ जाता है, ये हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता है जिसमें बच्चों हम Br2 और KOH का यूज करते हैं, ये वाला। लेकिन ऐसा तो कुछ इसमें नहीं दिख रहा हमें, तो इस केस में क्या यूज होता होगा? इस केस में क्या यूज हुआ? तो देखो, जब SNHCl बच्चों आपने यूज किया था उस केस में क्या हुआ था? SNHCl कब यूज किया था आपने? जब आपके पास RNO2 था और RNO2 से बच्चों आपको RNH2 बनाना है, तब बच्चों उस केस में आपने SNHCl का यूज किया था। तो इस केस में बच्चों आप LiAlH4 का यूज करते हो, बराबर है क्या? ठीक है, अब ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, दो मिनट चार्जिंग लगाता हूं, दो मिनट।
चलो हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में क्या बनता है, अगला सवाल क्या था, बेंजीन का रिएक्शन Br2 यूज क्या देता है बच्चों, तो बेंजीन है ना, ये बेंजीन है बच्चों, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसका रिएक्शन Br2 के साथ है। और भी कुछ दिया होगा एरो पे, है ना, और प्रोडक्ट क्या है, पैरा ब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो बेंजीन, तो क्या बनता है बच्चों, ये तो ब्रोमिनेशन है सीधा, है ना, ये क्या है, सीधा ब्रोमिनेशन है बच्चों, तो ऑर्थो पैरा ऐसे कुछ नहीं होगा, मतलब इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है, ठीक है। एक और ऑप्शन था ना, वो भी गायब हो गया, क्योंकि अगर ये सिंपल ब्रोमिनेशन अगर है, एक बार मुझे सवाल चेक करने दो, सिंपल ब्रोमिनेशन है ना, मतलब रिएक्शन यहां पे एरो का कंडीशन क्या है, अगर ऑर्थो और पैरा कब मिलता है बच्चों, जब यहां पे कोई ग्रुप लगा हो, है ना, बराबर है, यहां पे कुछ तो भी गड़बड़ है, मतलब यहां पे अगर बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगा है तब ऑर्थो पैरा, क्योंकि वो जो ग्रुप होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तब बच्चों यहां पे ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा, लेकिन शायद सवाल में कुछ तो भी गड़बड़ है, मुझे एक बार चेक करने दो, तब तक हम अबला करते हैं, फिर इस पे वापस आते हैं। पीएच एंड पीओएच रिलेशन पर आया था एक क्वेश्चन, पीएच एंड पीओएच का रिलेशन क्या रिलेशन है बच्चों, हमें पता है पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, पीएच प्लस पीओएच होता है बच्चों 14, है ना, पीएच प्लस पीओएच 14, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, पीकेडब्ल्यू, है ना, क्या होता है, पीकेडब्ल्यू, ये भी होता है। देखो अब यहां पे अगर ये सीधा है, या फिर आपको क्या करते हैं, पीएच देते पीओएच देते, है ना, कोई तो भी एक देते, दूसरे को फाइंड करने को बोलते हैं, ऐसा भी सवाल बच्चों आ सकता था, दो मिनट, मुझे एक बार सिर्फ सवाल देखने दो, कुछ गड़बड़ है क्या उसमें, अवेलेबल होगा तो चलो अगला देखते हैं तब तक। अगला देख, द वीक एसिड दिया था 0.2% डिसोसिएटेड, अब 0.2% है मतलब परसेंट अल्फा दिया था बच्चों, कितना 0.2, तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा होगा 0.2/100, मतलब आएगा 0.2, 100 मतलब होता है 10^2, ऊपर गया तो होगा -2, 0.2 × 10^-2, तो आप ये पॉइंट एक से शिफ्ट कर लो, तो ये होगा 2 × 10^ हो जाएगा -3, ये हुआ अल्फा। 0.05 mM मतलब कॉन्सेंट्रेशन दिया था, देन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक एसिड मतलब Ka बच्चों पूछा था, तो आपके पास Ka का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, Ka का फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर सी, तो अल्फा कितना है, अल्फा है 2 × 10^-3, इसका क्या है स्क्वायर, और सी कितना है 0.05, तो ये होगा बच्चों 2 का स्क्वायर होगा 4 और 10^2 होगा -3 × 2 -6, और ये पॉइंट बच्चों 2 से शिफ्ट कर लेते हैं, तो 5 × 10^-2, तो कितना आएगा 5 × 4 = 20 और 10^ कितना होगा -8, तो ये होगा बच्चों Ka, शायद इसे ऐसे लिखते हैं या फिर Ka कुछ ऐसा होगा, 2 × 10^-7, है ना, एक जीरो है तो एक निगेटिव पावर बच्चों कम हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, आइसोकोरिक का ग्राफ पूछा था, आइसोकोरिक, अब ये सवाल बच्चों शायद स्टेट्स ऑफ मैटर से आया होगा, है ना, आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक क्या होता है, जिसमें बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब कहां से आया था क्या पता अभी, है ना, थर्मोडायनामिक्स से था या क्या था, तो आइसोकोरिक का ग्राफ था, तो शायद मुझे ये देखना होगा अभी, ग्राफ क्या था ये, तो मतलब क्या पूछा था उसमें, स्लोप पूछा था, दो मिनट,
क्या पता अभी कौन सा था वो। 2 मिनट, अब ये सवाल ही, मतलब सवाल जो है ना वो कंप्लीट नहीं है। अब आइसोकोरिक है ना, तो सवाल में क्या था शायद, क्या पता अभी। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर पूछा होगा फिर, ठीक है। आइसोकोरिक का ग्राफ अगर पूछा है तो आपको कुछ ऐसे पूछा होगा, देखो कुछ इस तरह का ग्राफ है, इस तरफ प्रेशर है और इस तरफ बच्चों क्या है, टेम्परेचर है। और आइसोकोरिक का ग्राफ कुछ ऐसा था, है ना, ये एक लाइन ऐसे, दूसरा लाइन ये यहाँ से आपको निकालना है, ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, है ना, ये तीसरा लाइन, कुछ इस तरह से लाइन थे। और इन्हें अगर आप एक्सटेंड करते हो तो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ तो भी ऐसा था, ये V1, ये V2, ये V3, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ है। और होता क्या है बच्चों, इस केस में V1 से बड़ा V2, V2 से बड़ा V3, है ना। तो ये आइसोकोरिक का ग्राफ था, ये आपको स्टेट्स ऑफ मैटर से पूछा होगा सवाल, स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, तो इसमें V1 से बड़ा V2, V2 से बड़ा क्या होता है, V3, ठीक है, कुछ इस तरह का सवाल बच्चों पूछा होगा। तो आइसोकोरिक के केस में, आइसोकोरिक के केस में क्या था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, कुछ ऐसे। ये कौन सा लॉ होता है, गे ल्यूजैक्स लॉ, गे ल्यूजैक्स लॉ, है ना, इसके ऊपर बेस सवाल होगा। गे ल्यूजैक्स लॉ होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू के टी, है ना, तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो अब क्या होगा, पी बाय टी, ये क्या होगा बच्चों, कॉन्स्टेंट, पी बाय टी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बच्चों आपको इस केस में पूछा होगा, तो ये ग्राफ याद रखना आइसोकोरिक का है। नेक्स्ट आगे, मोलेरिटी का यूनिट पूछा था, मोलेरिटी क्या है, है ना, मोलेरिटी जो होता है ना, मोलेरिटी होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और अपॉन में होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और ये किस में दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो बच्चों यूनिट क्या होगा, देखो नंबर ऑफ मोल का जो यूनिट होता है वो होता है मोल, और नीचे आएगा डीएम क्यूब, है ना। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब, या फिर बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं मोल, अगर आप डीएम क्यूब को ऊपर लेके जाते हो तो टीएम टू द पावर माइनस 3 होगा, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर, मोल पर लीटर, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स, है ना। ये सारे बच्चों मोलरिटी के यूनिट है ना, ये सारे के सारे मोलरिटी के यूनिट है। तो इसमें से कुछ तो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, हेक्सामिथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड मिलाकर कौन सा पॉलीमर बनता है। हेक्सामिथिलीन डायमाइन मतलब कुछ ऐसे होता है, देखो हेक्सामिथिलीन, मिथिलीन मतलब CH2, हेक्सा मतलब 6 बार, डायमाइन मतलब यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH2 है, और दूसरा है बच्चों एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड कुछ ऐसे होता है, CH2 होता है 4 बार, और इसके एक तरफ COH और दूसरी तरफ भी COOH। अब यहाँ पे देखते हो बच्चों तो आपको 6 कार्बन दिख रहे हैं, और यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन है बच्चों। तो इससे बच्चों फॉर्मेशन होता है किसका, नायलॉन 6-6 का, है ना, 6.6, 6-6 कार्बन, नायलॉन 6-6 का फॉर्मेशन होता है। हेक्सामिथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड दोनों मिला के आपको क्या देते हैं, नायलॉन 6-6 देते हैं। नेक्स्ट अगला, ClO4 उसके ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज, मतलब कुछ ऐसे था ClO4 माइनस, एंड पूछा था सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। कितना आसान सवाल था, अगर उसके ऊपर माइनस दिया है तो यही तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, तो आपका आंसर -1 था बच्चों सीधा, है ना, मतलब कुछ भी नहीं करना था, सीधा सवाल था, ClO4 था उसके ऊपर नेगेटिव दिया था और पूछा था सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो कितना होगा, जो सम क्या होता है, जो इसके ऊपर चार्ज दिया होता है वही सम होता है, तो ये आंसर बच्चों आपका -1 होगा, ए आंसर सही होगा। अगला, LA, LU, CEGD
फोर एलिमेंट्स थे और पूछा था डी में एक इलेक्ट्रॉन जिनके बाद जिस किसका यफ ऑर्बिटल फुलफिल एंड हाफ फिल्ड होता है। पूजा याद आया कुछ? कितनी बार मैंने लिख के दिया था ये वाला, है ना? पूजा याद आया क्या? बताया था मैंने 5D में वन किस किस के होता है, कितनी बार किया था हमने? 5D में वन LA के पास होता है, CE के पास होता है, LU GD के पास होता है, है ना? और बच्चों LU के पास होता है ना, कुछ ऐसे होता है। ये चार लोग हैं जिनके 5D में वन होता है, बहुत बार लिया था हमने। और जिनके बाद क्या पूछा है? यफ ऑर्बिटल फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड। तो यफ ऑर्बिटल फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड कहाँ पे होगा? तो अगर हम GD की बात करते हैं, है ना, ये बीच में आता है, तो इस केस में बच्चों यफ ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड यफ ऑर्बिटल, है ना, ये हाफ फिल्ड यफ ऑर्बिटल है। और यहाँ पे क्या होता है LU के केस में? LU के केस में होता है फुल फिल्ड यफ ऑर्बिटल, है ना, फुल फिल्ड यफ ऑर्बिटल होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे समझ में आ जाएगा। GD का एटॉमिक नंबर कितना है? GD का 64 होता है क्या? यहाँ पे होता है ज़ेनॉन, है ना, उसके बाद होता है 4F 5D, है ना, 4F 5D 6S। तो यहाँ पे ये 54 होता है ज़ेनॉन, 54 प्लस 2 प्लस 1 कितने हो गए? 57 प्लस 7, है ना, 57 प्लस 7 कितने हो गए? 64। और बच्चों अगर हम LU का लिखते हैं तो LU का 71 एटॉमिक नंबर होता है और ये होता है ज़ेनॉन, है ना, उसके बाद आएगा 4F 5D 6S। तो ये होता है 54 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 57 प्लस 14, है ना। तो देखो इसके यफ में 14 है और इसके यफ में 7 है, तो यफ में 14 मतलब फुल फिल्ड और यफ में 7 मतलब हाफ फिल्ड, है ना। यहाँ पे क्या होता है? 4F में 7 होते हैं और यहाँ पे 4F में 14 होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा बच्चों GD LU, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन गायब है ना, GD LU ऑप्शन होगा आपका, चौथा डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन क्या होगा? GD और LU, कुछ ऐसे GD एंड LU, डी आंसर सही होगा, ठीक है, कुछ इस तरह का आंसर बच्चों आपका आया होगा। नेक्स्ट, अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन के ऊपर एक सवाल आया था, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, हेलो क्रांति। अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन पे क्या सवाल था बच्चों? तो ये तो मैंने बहुत बार लिखवाया है ना, इन गैस फेज क्या होता है? इन गैस फेज, अगर गैस फेज बोला है बच्चों तो क्या होगा अमाइन के केस में? अमाइन के केस में बच्चों टर्शरी अमाइन, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, है ना, उसके बाद आएगा बच्चों अमोनिया, है ना, और उसके बाद आएगा बच्चों एरिल अमाइन। बहुत बार बताया मैंने आपको एरिल अमाइन आएगा, मतलब एरिल अमाइन मतलब कुछ ऐसा C6H5NH2, है ना। वही बच्चों इन एक्वायस फेज पूछा है, कुछ दिया नहीं है, है ना, इसका मतलब एक्वायस फेज होगा। अगर कुछ दिया नहीं है तो एक्वायस फेज, तो एक्वायस फेज के केस में बच्चों एक मिथिल ग्रुप के लिए होता है। मिथिल ग्रुप के केस में क्या होगा? मिथिल ग्रुप के केस में होता है बच्चों सेकेंडरी, उसके बाद आएगा प्राइमरी, उसके बाद आएगा टर्शरी, उसके बाद अमोनिया, है ना, और उसके बाद आएगा बच्चों यही आपका C6H5NH2। और जब इथिल ग्रुप होता है बच्चों, है ना, C2H5, जब इथिल ग्रुप होगा तो इस केस में क्या था? पहले सेकेंडरी, बाद में टर्शरी, बाद में आएगा प्राइमरी, उसके बाद आएगा अमोनिया, और उसके बाद आएगा बच्चों C6H5NH2। मतलब कुछ इस तरह का, ये आपको चीज़ें याद रखनी है, बहुत बार बच्चों मैंने ये आपको बताया है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। चार ऑप्शन दिए थे, उसमें से एरोमेटिक अल्कोहल पूछा था कौन सा है। अब एरोमेटिक अल्कोहल कौन सा होगा बच्चों? अब एरोमेटिक अल्कोहल चाहिए मतलब बच्चों आपको क्या चाहिए? बेंजीन रिंग चाहिए, और बेंजीन रिंग को बच्चों, है ना, ये बेंजीन रिंग है, अल्कोहल चाहिए बच्चों, है ना, एरोमेटिक अल्कोहल। तो कुछ ऐसा वाला करना था आपको, एरोमेटिक अल्कोहल चाहिए। देखो अगर आप कुछ ऐसा करते हो, अभी ये सवाल काफ़ी मतलब ये पूछा था आपको, यहाँ पे CH2OH है, कुछ ऐसा वाला, शायद ऐसा वाला आपके ऑप्शन में होना चाहिए। अगर कुछ ऐसे होता ना बच्चों तो इसे अल्कोहल मत कहना, ये बेंजीन रिंग है और इसे OH है, तो ये तो फिनॉल है बच्चों, ये तो फिनॉल है, है ना, नॉट अल्कोहल, है ना, नॉट अल्कोहल, ये अल्कोहल नहीं है बच्चों, ये अलग ही है, है ना, नॉट अल्कोहल, ये अल्कोहल नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट एरोमेटिक है, है ना, ये वाला पार्ट क्या है? एरोमेटिक। और OH किसके लिए है? अल्कोहल के लिए, एरोमेटिक ये वाला और ये क्या है? अल्कोहल।
तो ये एरोमेटिक अल्कोहल कह सकते हो, लेकिन ये बच्चों फिनॉल है। तो ऑप्शन में आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए जिसमें OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि OH अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है तो उसे फिनॉल कह देंगे, है ना। तो आपको बेंजीन रिंग, उसके बाद कार्बन, उसके बाद OH चाहिए बच्चों, ठीक है, कुछ इस तरह का पूछा होगा। नेक्स्ट, चीफ रिएजेंट पर क्वेश्चन आया था, ये कहाँ पे पढ़ा है आपने चीफ रिएजेंट? तो चीफ रिएजेंट के साथ कौन टेस्ट देता है, है ना, एल्डिहाइड देते हैं ना बच्चों, एल्डिहाइड गिव्स, है ना, एल्डिहाइड गिव्स, है ना, चीफ रिएजेंट, है ना, एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट, है ना, दिस टेस्ट एल्डिहाइड बच्चों ये टेस्ट देता है चीफ रिएजेंट के साथ। अगर एलिफैटिक, हाँ, अगर एलिफैटिक पूछते हैं तो क्या होता, ऐसा कार्बन है ना, और कार्बन को OH है, तो ये वाला पार्ट बच्चों एलिफैटिक, ये वाला पार्ट होगा एलिफैटिक, और ये जो OH है ये अल्कोहल, तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, तो चीफ रिएजेंट पर सवाल था, तो एल्डिहाइड बच्चों ये टेस्ट देते हैं चीफ रिएजेंट के साथ, इस पर कुछ तो भी सवाल था, देख लेना एक बार। आइसोथर्मल वर्क डन पर एक न्यूमेरिकल आया था, अब आइसोथर्मल वर्क डन है बच्चों, है ना, आइसोथर्मल है वर्क डन, क्या होगा, तो आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब, अब ये तो डिपेंड होगा वर्क डन क्या दिया था इसने, क्योंकि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट होगा, और इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा यू जीरो होगा। तो अब ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं, एक तो बच्चों पॉसिबिलिटी है आपको जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे डेल्टा यू जीरो दे दें और बच्चों ये होगा क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ऐसे भी पूछ सकते थे सीधा, या फिर बच्चों आइसोथर्मल के केस में आपको ये वाला भी एग्जांपल था, जैसे डब्ल्यू का फॉर्मूला है माइनस पी डेल्टा वी, ये वाला है ना, या फिर बच्चों डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला ये भी पूछ सकते थे, माइनस 2.303 है ना एन आर टी, है ना एन आर टी लॉग टू द बेस 10 है ना वी टू अपॉन वी वन, ये वाला सवाल बच्चों वी टू अपॉन वी वन या फिर और पी वन अपॉन पी टू, है ना ये वाला बच्चों। तो इस पे अब ये डिपेंड करता है सवाल क्या पूछ लिया आपको, तो है ना, अब यहाँ पे तो आइसोथर्मल वर्क बोला है तो ये कुछ तो भी यूज़ किया होगा, आइसोथर्मल वर्क मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये बच्चों अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है, अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर है ना, अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है, और ये बच्चों इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल है ना, और ये बच्चों कौन सा है, रिवर्सिबल है, ये कौन सा है, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। तो अब ये तो देखना होगा क्या सवाल आया था, लेकिन इस टॉपिक पे सवाल आया था, है ना कुछ। अब देखो अगला, इथिल अल्कोहल दिया था उसमें क्या मिक्स करने पर इथिल प्रोपियोनेट बनता है, पूछा था इथिल अल्कोहल से इथिल प्रोपियोनेट बनाना था, कुछ ऐसे, मतलब बच्चों आपको अल्कोहल दिया है, मतलब CH3CH2OH, और आपको इस्टर बनाना है, प्रोपियोनेट एट है ना, एट है मतलब इस्टर है बच्चों, इस्टर कुछ ऐसे होगा, और प्रोपियोनेट है ना, प्रोपियोनेट मतलब तीन कार्बन का इस्टर है, कुछ ऐसे होगा, और यहाँ पे इथिल ग्रुप लगा है, इथिल मतलब CH2CH3, तो बच्चों यहाँ पे आपको ये CH2CH3 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, तो यहाँ पे आपको यही पार्ट लिखना होगा CH3, उसके बाद CH2 है ना, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होगा बच्चों OH, फिर एक जगह से H, एक जगह से OH बाहर निकलेगा, है ना, क्लियर है, यहाँ पे होगा H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये इस्टरिफिकेशन रिएक्शन है बच्चों, कौन सा रिएक्शन है, इस्टरिफिकेशन, ये इस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, तो इसके ऊपर बच्चों आपको सवाल पूछा होगा। तो इथिल अल्कोहल दिया था उसमें क्या मिक्स करने पर इथिल प्रोपियोनेट बनता है, तो आपको ये वाला मिक्स करना होगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों प्रोपियोनिक एसिड, तीन कार्बन का एसिड है ना, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड है ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगला, सॉलिड स्टेट में डेंसिटी के फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल था, डेंसिटी का फॉर्मूला रो, रो क्या होता है, NM अपॉन A³ Na, इस पे एक सवाल पूछा था, NM अपॉन A³ Na, इस केस पे एक सवाल पूछा था बच्चों, तो NM अपॉन A³ Na, तो यहाँ पे बच्चों अगर सिंपल क्यूबिक दिया है SCC, तो N का वैल्यू 1 है, अगर BCC दिया है तो N का वैल्यू 2 है,
और अगर एफ सी सी है बच्चों तो एन का वैल्यू यहाँ पे 4 है ना। और जो आपको ए लेना है ना वो बच्चों आपको सेंटीमीटर में लेना है ना। तो अगर आपको पिकोमीटर दिया है तो उसे कन्वर्ट करेंगे 10^-10 सेंटीमीटर है ना, अगर पिकोमीटर दिया है। और अगर एमस्ट्रॉन्ग दिया है तो ये होगा 10^-8 सेंटीमीटर। तो ये आपको कन्वर्ट करना होगा यहाँ पे। और एन ए का वैल्यू तो पता ही होता है 6.022 × 10^23। ओके, इस पर एक सवाल पूछा था, हेनरी लॉ पे एक न्यूमेरिकल आया था। हेनरी लॉ क्या होता है, एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। तो इसमें बच्चों आपका जो सोलिबिलिटी होता है वो होता है मोल पर डीएम क्यूब है ना, और प्रेशर जो होता है वो होता है बार में बच्चों, ये बार में होगा। और आपको के एच पूछा है, मतलब के एच या फिर कुछ देंगे आपको, तो ये होता है मोल डीएम टू द पावर माइनस 3 और यहाँ पे होगा बार इनवर्स। 6 लिया तो चलेगा ना सर, कहाँ पे 6 नहीं, 6 कैसे लेंगे पिकोमीटर है तो 10^-10 सेंटीमीटर, और एमस्ट्रॉन्ग है तो 10^-8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में करना होगा क्योंकि ये डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है आपका आंसर है ना। नेक्स्ट अगला, इन रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, लिपिड्स एंड वाटर, फैटी एसिड एंड वाटर, प्रोटीन एंड वाटर, क्या है ये क्या पता अभी। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, इस सेम, हाँ किसमें सेम होता है, हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीजन एटम के साथ रेशियो। तो बच्चों अगर आप कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हो, ठीक है, जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट लेते हो आप, कार्बोहाइड्रेट जैसे ये कार्बोहाइड्रेट ले देता हूँ मैं C6H12O6 है ना। तो बच्चों इस केस में ये ग्लूकोज है ना, कार्बोहाइड्रेट है, और वही बच्चों हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो यहाँ पे रेशो किसका सेम है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रेशो क्या है, ये होगा बच्चों 12:6, मतलब आएगा 2:1 है ना। और यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, 2:1 है ना, हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 6 1 6 2 2:1। तो कार्बोहाइड्रेट और वाटर के केस में बच्चों ये रेशो सेम होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो। तो ए आंसर बच्चों इस केस में सही होगा, क्लियर, ठीक है। चलो तो इसका पीडीएफ बच्चों मैं अभी टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ क्लास के बाद, तो आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो है ना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके चलो, तो लिंक दिया है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पीडीएफ डाल दूँगा। ओके बाय बाय।